क्या विज्ञापन में और अब तक बार बार सुधांशु त्रिवेदी यह झूठ कहा जाता रहा कि राजीव गांधी ने ताले खुलवाए, क्योंकि वजाहत हबीबुल्ला अपनी किताब में लिखते हैं राजीव गांधी को इल्म तक नहीं था कि वहां ताले खुल रहे हैं, और उन्होंने कहा कि यह सरकार का काम नहीं होता कि वो कामकाज में दखल दे पूजा पाठ के। क्या है दुबे जी, अभी अपने ही एक वक्तव्य में कितनी सुंदर द्वंद्वात्मक बात है। एक तरफ वो ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं इस विज्ञापन में कि इतनी मजबूत सरकार थी, और थी भी भारत के इतिहास की सबसे मजबूत सरकार थी, कि वो अदालत का निर्णय उसने करवाया, तो पहले कह रहे। दूसरी तरफ इतने कमजोर, बेबस और नादान थे कि एक पत्रकार के कहने पे शरीयत बदल दी है, शरीयत का नियम लागू कर दिया। माननीय आपके जैसे बुद्धिमान प्रवक्ता को इस प्रकार के पूर्णतः जिसे कहते हैं डायलेक्टिक लॉजिक, जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अपोजिट जाते हो, ऐसा तर्क देने से बचना चाहिए। अब दूसरी बात, आपको पता है राजीव गांधी जी ने राम राज्य का नारा कब दिया था? 1989 लोकसभा चुनाव का श्री गणेश उन्होंने अयोध्या में राम राज्य के नारे के साथ किया था, नवंबर 1989। आज भी कमलनाथ जी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रख के बोलने वाले बात। चलिए, एक साल के अंदर नवंबर 1990 जब मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई और कार सेवकों की हत्या करवाई, और जिसके लिए वो 2017 तक छाती ठोक ठोक कहते रहे कि 16 हिंदुओं को मरवाया था, 16 कार सेवकों को मरवाया था, 40 भी मर जाते तो कोई गम नहीं था, उनको जीवन दान दिया किसने? राजीव गांधी जी के नेतृत्व की कांग्रेस ने बचाकर। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूं, 1991 लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ साथ थे, मोहल्लों में कॉलोनियों के बाहर बैनर लगे थे कि कार सेवकों की हत्या का समर्थन करने वाले कृपया वोट मांगने ना आए। तब तक शहरों में सपा बसपा का कोई होल्ड नहीं था, सिर्फ कांग्रेस ही थी सबसे मजबूत पार्टी, और कांग्रेस के नेता दौड़ा लिए जाते थे, ये तो हकीकत थी। और रही बात राजीव जी के टाइम में राम राज्य बड़ा अच्छा था, अभी दुबे जी ने बोला कितनी ग्रोथ रेट थी, 2% हिंदू ग्रोथ रेट, ये थी विकास की गति। और वह राम राज्य था जिसमें साहबानों केस में शरीयत के लिए कह रहे अदालत का निर्णय तो करवाया, अरे अदालत का जो निर्णय पलटा था वो तो इतिहास में दर्ज है, और भारत के इतिहास में पहली बार यदि प्रधानमंत्री, एक बात और पूरा कर दो, भारत के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री किसी भ्रष्टाचार के आरोप में घेरे में आए तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समझ। सुधांशु जी, सबको पता है कितना राम राज्य था और कितने मन का भाव। नहीं सुधांशु जी, अभी राम राज्य पर भी आऊंगा, कोरोना के दौर में जब इस देश में 27-28 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पीड़ित हैं, जब हम दुनिया में नंबर वन पे आ रहे हैं बीमारों की तादाद की एवरेज में हर रोज, जब बाढ़ बारिश लगातार हम पर हावी हो रही है, जब नौकरियां लगातार जा रही हैं, जब अर्थव्यवस्था गड्ढे में है, तो रामराज की परिकल्पना क्या है उस पर भी मैं आपसे पूछूंगा सवाल। लेकिन उसके पहले मेरा सवाल सुधांशु जी ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि राम मंदिर बनाने के लिए नरेंद्र मोदी का नाम लिखा जाए, तो ताला खोलने के लिए, शिलान्यास पूजन के लिए वो भी तो अपना नाम लिखाना चाहेंगे, उस पर आपको आपत्ति क्यों होती है? क्यों बार बार गला पकड़ लेते हैं इनका? अच्छा मैं आपको बताता हूं, आपको शिलान्यास आप लोगों ने देखा होगा, दुबे जी भी बुद्धिमान व्यक्ति है, देखा होगा पुरोहित ने क्या बोला था कि संपूर्ण राष्ट्र के प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे पूरा संस्कृत में वाक्य ध्यान, संपूर्ण राष्ट्र प्रतीको पुरुष, इस प्रकार से बोला था, कोई सुनता नहीं समझता नहीं, सब भाषण देने लगते हैं, वो भारतीय राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और उस समय जब राजीव गांधी जी थे संपूर्ण राष्ट्र के प्रतिनिधि होते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को दमन करके शरीयत लाने का काम कर रहे, क्या तुलना कर रहे हैं आप दोनों के बारे में, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। शरीयत लाने का क्या बात करते हैं आप? सर साहबानों के साथ क्या था कि 80 रुपया मुआवजा नहीं देना है क्योंकि शरीयत के खिलाफ था, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत से चलेगा, शरीयत की वजह से लागू किया गया था, बोलिए हाँ या ना। ठीक ठीक सर, अनुराग भदौरिया हंस रहे हैं, अनुराग भदौरिया आप हंस तो रहे हैं, नहीं ये तो मजा ले रहे थे। नहीं नहीं मैं इस पर जाऊंगा नहीं कि मुलायम सिंह यादव के लिए आपकी पार्टी की फजीहत हुई, आज का आपकी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के नेता हैं लोटन राम निषाद, उनका बयान हमने सुनाया भी, वो कह रहे हैं कौन है राम, मैं तो मानता नहीं राम में, हम तो नहीं मानते, हमें तो नहीं है जानकारी कि इस देश में राम नाम का कोई व्यक्ति हुआ भी इतिहास में। अगर तो आप उन पर हंस रहे हैं तब तो समझ में आता है। अगर मैं बोलूं, मुझे पूरा विश्वास है कि सुधांशु जी हमारे बीच में नहीं बोलेंगे। सुधांशु जी इतना एग्रेसिव होके बोल रहे थे, ऐसे लग रहा उनका बीपी बहुत हाई है,
होना भी चाहिए। उन्होंने बड़े गर्व से बोला मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ का हूँ। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, अगर उत्तर प्रदेश लखनऊ से आप गर्व महसूस करते हैं तो आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, इसके बारे में एक शब्द बोल देते आप, अभी मैं आऊंगा जिस बात जो अभी रोहित जी ने पूछा उस पर भी आऊंगा। लेकिन सुधांशु जी आप महिलाओं के ऊपर एक शब्द बोल देते तो मुझे गर्व से महसूस होता आप लखनऊ के। आप बोल देते उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से अपराध हत्याएं बढ़ी है महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, एक बार आप बोल देते तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लखनऊ से हैं। मुझे शर्म आती है आप लखनऊ से होने का जब बोलते हैं, दावा ठोकते हैं। एक बार बोल देते कि लखनऊ की बेटियों के साथ, उत्तर प्रदेश की बेटियों के साथ लगातार अपराध हत्या बलात्कार उनके साथ हो रहा, आप बोल नहीं पा रहे थे। आगरा में डॉक्टर के साथ एक हत्या बलात्कार हो गया, नहीं बोल पाए आप। बोल दीजिए आप कि डॉक्टर के साथ हत्या बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ। अरे सुनिए, लड़कों में गलती हो जा रहा है, हत्या बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ। बोलिए आजमगढ़ में हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए गोरखपुर में हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए हाँ या ना। ज्यादा बोलते हैं, बताइए हाँ या ना। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।